So, आप लोग सब योगा करते हैं? Yes? All of you are into yoga? Okay. So, what type of yoga? It is a physical one? Okay. So, what do you mean by mental yoga? Yes? Meditation. Okay. Breathing. अच्छा, breathing को आप mental yoga बोल रहे हैं? Yes? तो फिर mental yoga क्या है? Meditation में हम basically क्या करते हैं? माइंड कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ थॉट्स. ओके, देखिए क्या है कि मेडिटेशन भी काफी टाइप का होता है. एक फर्स्ट स्टेज होता है कि वी ट्राई टू कंट्रोल अवर थॉट्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, राइट? उसके बाद एक स्टेज आता है वेयर वी चेंज अवर थॉट्स. चेंज अवर थॉट्स टू व्हाट? टू अवर ट्रू नेचर, राइट? जब हम अपने माइंड को चेंज करना शुरू करते हैं, दैट इज मेंटल योगा. बट यस, जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इट हेल्प्स अस टू फोकस. अब व्हाट इज योग? योग इज बेसिकली यूनियन. यूनियन विथ व्हाट? विथ अवर ट्रू सेल्फ. अब वो ट्रू सेल्फ को हम गॉड बोलें, परमात्मा बोलें, हायर कॉन्शियसनेस बोलें, हमें फाइनली यूनियन चाहिए अपने हायर सेल्फ से. आज हमारी सफरिंग क्यों है? बिकॉज वी आर टुडे अलाइनिंग विद दिस वर्ल्ड. आज हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये दुनिया सच है. इट इज लाइक आप पिक्चर देखने गए हो, राइट? आप थिएटर में बैठे हो, अब थोड़ी देर बाद आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, जब आप देखते हो हीरो हीरोइन का रोमांस, सेपरेशन, आपकी आंखों में टप टप आंसू आना शुरू हो जाते हैं, आपके हस्बैंड आपकी बात भी करना चाहें आपसे, आपका रुको ना, टोटली यू आर इमर्ज्ड. सो यू थिंक यू आर पार्ट ऑफ द मूवी, राइट? टुडे हम लोग सब भूल गए हैं कि हम एक्चुअली कौन है. हमें लगता है ये दुनिया सच है, हमें लगता है ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड है, राइट? ये मेरा करियर है, मुझे सक्सेस चाहिए. एवरीवन इज स्टक इन दैट. और आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीपल स्पिरिचुअलिटी में भी इसलिए आए हैं क्योंकि उनको इधर सक्सेस चाहिए, राइट? Many people come in spirituality. Even I came in the beginning to have more wealth, etc. तभी हम भगवान का जाप करते हैं, तभी लक्ष्मी जी गणेश जी याद आते हैं. तो आज क्या है कि everyone is, you know, seeking for some answers to find a reason for their problems. तो क्या होता है कि because you think the world is real, मुझे इधर success चाहिए, you get engulfed in this माया. आप इस दुनिया में इतने उलझ जाते हो कि you forget कि what are you really, आपका सच essence क्या है. और योग के द्वारा we try to come out of that माया and connect with our true self. मैं एक और example बताती हूँ. एक person नशे में है, right? अब वो नशा क्यों कर रहा है? वो नशा क्यों कर रहा है? वो कहते हैं भुलाने के लिए, पर एक्चुअली भुलाने के लिए तो बहुत चीजें हैं भाई. उसको बोलो भुलाने के लिए तो आजा मेरे साथ सत्संग, भजन करेंगे, भजन करेंगे. सो भुलाना इज नॉट नेसेसरी द रीजन. वो इसलिए ड्रिंक्स कर रहा है बिकॉज ही इंजॉयज इट, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक हाई मिल रहा है ड्रिंक्स करके. अब उस पर्सन को अब हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है. पर वो सच्चाई में आता है, वो देखता है अरे इसमें तो बहुत तकलीफ है, सच्चाई में बहुत तकलीफ है. वो डर के मारे वापस ड्रिंक्स में आ जाता है. उसको हम याद दिलाते हैं, देख तेरा ये परिवार है, ये तेरी फैमिली है, ये तेरा करियर है, पर वो बार बार ड्रिंक्स में चला जाता है क्योंकि वो बहुत कमजोर फील करता है, उसको बहुत कॉन्फिडेंस लो होता है. He cannot come out of that nasha. Same problem हम में है.
हम दुनिया के नशे में ऐसे डूबे हुए हैं कि वी हैव फॉरगॉटन हु वी आर। और अगर हमें अपने पहचानना है कि हम कौन हैं, हमें थोड़ी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। आज हर पर्सन कोई ना कोई नशे में है, कोई मोह के नशे में है, अपने बच्चों से मोह है, अपने परिवार से मोह है, अपने पैसे से मोह है, अपने करियर से मोह है, या तो वो मोह के नशे में फंसा है, कोई व्यसन में फंसा है, कोई पैसे में फंसा है, कोई प्रेम में फंसा है। हर पर्सन किसी न किसी नशे में फंसा हुआ है। अगर उसको कहो कि भैया नशे से निकल एंड रियलाइज कि तू रियली कौन है, उसको कुछ तो तकलीफ सहनी पड़ेगी। ही विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, ही विल हैव टू फेस रियलिटी। और आज जो योग है, योग के जितने भी सिस्टम्स हैं, दे आर मेंट फॉर यू टू फेस द रियलिटी। चाहे आप भक्ति योग लो, चाहे आप कर्म योग लो, चाहे ध्यान योग लो या ज्ञान योग लो, हम लोग जो लोगों को सिखाते हैं वो है ज्ञान योग, हाउ यू कैन अचीव यूनियन थ्रू नॉलेज, राइट। उसके लिए क्या है कि हम सात चक्रों के लेसन सिखाते हैं आपको। हमारे शरीर में बेसिकली सात चक्र हैं। ये सात चक्र हैं जो आपको ट्यून करेंगे आपके सही नेचर से। और आपको पता है, आप जैसे ही एक बार ट्यून हो जाओगे ना, उसके बाद आप वहां से हिलोगे नहीं। दैट इज कॉल्ड ट्रू नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो डिसऑनेस्ट है, वो झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है और कभी झूठ बोलता है। एक समय आता है जब वो रियलाइज करता है कि भाई मैं तो सच ही बोलूं, इट इज बेटर, राइट। उसके बाद क्या वो चेंज होगा? कभी चेंज होगा? अच्छा, आप अपना स्वयं का एग्जाम्पल ले लो। जिंदगी में एक समय था अब बहुत आलसी थे। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी लेजी व्हेन वी आर ग्रोइंग अप। और फिर क्या हुआ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, बच्चे, परिवार। एक समय फिर हमने क्या किया, आलस को त्याग ही दिया। आज आप आलस करोगे, बच्चा कहेगा मम्मी मेरी फीस भरनी है, बेटा कल कल, आलस को छोड़ दिया ना। दैट इज योर ट्रू नेचर, राइट। ऐसे आप किसी भी चीज को ले लो। सपोज आपको किसी को ना कहना नहीं आता है, राइट, आप बहुत कोशिश करते हो, नहीं आता आपको ना कहना, एक दिन आप उसको सीख जाते हो, राइट। एक दिन सीख जाते हो कि बस यार ना ही बोलो, क्यों ऐसा टेंशन ले। जिस दिन सीख गए, वापस कैन यू अनलर्न इट? दैट इज कॉल्ड ट्रू नेचर, क्योंकि वो आपका सही व्यक्तित्व है। ज्ञान योग में हम क्या करते हैं, आपको ट्रू नेचर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद तो आप चेंज होते ही नहीं हो। और जब आप चेंज नहीं होते हो तो क्या होता है, एक समय आता है धीरे धीरे यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक हिम, यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द डिवाइन, एंड दैट इज योग। भक्ति योग में क्या होता है, इतना प्रेम करते हैं भगवान से, इतना प्रेम, इतना प्रेम, ऐसा होता है दो जिसमें एक जान हो जाता है, एंड दैट इज योग। सिमिलरली कर्म योग में अपने काम को इतनी निष्ठा के साथ करो, इतने सच के साथ करो, दैट वर्क एंड यू बिकम द सेम। जैसे मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है, गांधी जी हैं, दे हैव डन वर्क विथ सो मच ऑफ पैशन that there is no difference between them and their work, right? और एक है ध्यान योग। ध्यान योग में, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, योग में हम क्या करते हैं, योगा में हम इतने अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाते हैं, इतना मेडिटेशन करते हैं कि उस साइलेंस में हमारा योग हो जाता है, right? अब जैसे हमने कहा कि जो पर्सन नशे में है उसको वापस घर आना है, उसको सच्चाई दिखानी है। आज हर पर्सन दुनिया के नशे में फंसा हुआ है,
उसको सच्चाई दिखानी है कि तू एक्चुअली कौन है और एक्चुअली आप कौन हो। आप कहोगे मैं ये तो जानता हूं कि मैं इधर कौन हूं, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्चुअली कौन हूं। एक्चुअली आपका स्वरूप जो है ना वो तीन शब्दों में बता सकते हैं, तीन शब्दों में। एक तो है आपका स्वरूप सत्य, इट इज द ट्रुथ, सत्य है वो, सत्य। दूसरा है चित्त, चित्त का मतलब है ही इज अवेकंड कॉन्शियसनेस, यू नो एवरीथिंग, आपको हर चीज का ज्ञान है। और तीसरा है आनंद, ये आपका सच्चा स्वरूप है, सत चित आनंद। और हमें वहां कनेक्ट होना है, और हम तभी कनेक्ट हो जाएंगे जब हम इस नशे को छोड़ेंगे। और ये नशा ही माया है, इस नशे में ही प्लेजर है, इस नशे में ही दर्द है। हर चीज जो माया है वो हमेशा विभाजित होके आपके सामने आती है, ड्यूअलिटी, पेन एंड प्लेजर। जो चीज आपको पेन देती है वही प्लेजर देती है, राइट? आज अगर आपको खाने में बहुत पसंद है, बढ़िया बढ़िया खाना, तला हुआ, चटपटा, वही आपको पेन देती है, वही प्लेजर देती है। किसी को लौकी की सब्जी से पेन आ और प्लेजर होता है, क्योंकि वो सत्य है। जो चीज सत्य है उसके साथ पेन प्लेजर होता ही नहीं है। और जो जो चीजों से आपको पेन प्लेजर हो रहा है, योग में हम उसी से ही बाहर निकलते हैं। तो एक तो व्यसन है खाना, अब खाने से कैसे बाहर आए, हु विल टेल? यस, हाँ, बट हाउ? अब सिंपल सोचो ना, देखिए हमें व्यसन से अब बाहर आना है, खाने से कैसे बाहर आए, हु विल टेल? यस, वन इज फास्टिंग, ब्यूटिफुल, हु एल्स? विल पावर, डाइटिशियन के पास जाओ। ओके, देखिए क्या होता है जब हम कहते हैं ना कंट्रोल अवर सेल्फ, तो वो काफी सफरिंग होती है। इट इज लाइक एक अलमारी में खूब सारे कपड़े डाल के ठूस दिए, एक दिन जब बाहर आती है ना बहुत भयंकर बाहर आती है। सो कंट्रोल तो कभी चलता ही नहीं है। मैंने जो देखा है ना माया से निकलने के एक्चुअली तीन ही तरीके। सबसे पहले जिस चीज के साथ माया है उसका सही स्वरूप को देखो। हम खाना क्यों खाते हैं? यस, ओनली फॉर न्यूट्रिशन। कौन खाता है प्लेजर के लिए, हाथ खड़े करो। अब जैसे आप प्लेजर के लिए करोगे, आप कैसे वापस जाओगे घर? पिक्चर में बैठे हुए हो, घर जाना है भाई। तो सबसे पहले खाने का मूल स्वरूप क्या है, इट इज ओनली फॉर न्यूट्रिशन। पर क्योंकि हम क्रिएटिव लोग हैं, हम जो भी खाएंगे हम टेस्टी खाएंगे ना, राइट? ये हमारा नेचर है टू मेक एवरीथिंग टेस्टी। हम तन पे कपड़े क्यों पहनते हैं, राइट? जस्ट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, राइट? इट इज फॉर प्रोटेक्शन। पर हम फिर भी उसमें ब्यूटी लाएंगे भाई, अलग अलग प्रिंट, एक भी पर्सन ने दूसरे जैसा प्रिंट पहना ही नहीं है, राइट? हम गाड़ियां में क्यों बैठते हैं, सिंपल थिंग, व्हाई डू वी सिट इन अ कार? फॉर ट्रैवलिंग एंड टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल। अब उसमें हम उसमें मर्सिडीज बना देते हैं, उसमें हम दुनिया भर के अलग अलग कार बना देते हैं, इट इज अवर क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले हर चीज का मूल स्वरूप देखो। हम टीवी क्यों देखते हैं, व्हाई डू वी वॉच द प्रोग्राम्स एक्सेट्रा? एक्चुअली नॉलेज तो धेले भर का नहीं होता टीवी में, इट इज फॉर एंटरटेनमेंट। देखिए जो इंद्र के दरबार में भी सारे भगवान भी थोड़ा तो एंटरटेनमेंट करते थे ना, तो एंटरटेनमेंट भी हमारा नेचर है। सी, आफ्टर अ हार्ड डे ऑफ वर्क, आपका बहुत मेहनत के बाद, तो थोड़ा तो चिल करना बनता है, राइट? बनता है चिल करना। पर हम लोग क्या करते हैं, हम उसको एंटरटेनमेंट नहीं मानते। एंटरटेनमेंट होता तो हम सवेरे से शाम तक नहीं लगे रहते व्हाट्सएप पे। आज हम उसको रियलिटी मान लेते हैं,
भाई एंटरटेनमेंट तो क्या है, थोड़ी देर के लिए होगा ना, हम तो फुल डे हमको चाहिए एंटरटेनमेंट। और फिर हम उसको इतना रियलिटी मान लेते हैं कि अगले दिन हमारे दिमाग में चलता रहता है कि वो देखो हीरोइन कितनी अच्छी लग रही थी, हीरो ने क्या किया, सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं बिकॉज हम नहीं मानते कि वो एंटरटेनमेंट है। राइट? अनदर, प्रेम क्यों होता है? एक औरत और पुरुष में प्रेम क्यों होता है? राइट? यस? अट्रैक्शन क्यों होता है? यस यस, क्यों होता है? व्हाट इज द पर्पस? देखो हम मूल स्वरूप देख रहे हैं। देखिए जब तक हम मूल स्वरूप नहीं देखेंगे वी विल गो इन एडिक्शन। जब तक हम मूल स्वरूप खाने का नहीं देखेंगे हम कंटिन्यूस उसको प्लेजर के लिए खाते रहेंगे। जब तक हम मूल स्वरूप नहीं देखेंगे कि एंटरटेनमेंट इज फॉर रिलैक्सेशन वी विल कीप ऑन रिलैक्सिंग द होल डे। जब तक हम नहीं देखेंगे कि हम कपड़े पहनते हैं तन ढकने के लिए एंड वी आर क्रिएटिव वी विल कीप ऑन बाइंग परचेजिंग। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम जो साजो सामान खरीदते हैं घर में या गाड़ी खरीदते हैं इट इज जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस एंड कम्फर्ट वी विल कीप ऑन बाइंग फॉर स्टेटस। तो सिमिलरली एक बहुत बड़ा व्यसन है सेक्स, एक बहुत बड़ा व्यसन है मैरिटल अफेयर्स, बहुत बड़ा व्यसन है आजकल। और मैक्सिमम मूवीज इस पे बनती हैं, मैक्सिमम ड्रामा इसी पे चलता है। तो सिंपल सोचो एक मादा और पुरुष में अट्रैक्शन क्यों होता है? व्हाई? भगवान ने उसका मूल स्वरूप क्या बनाया है? एग्जैक्टली उसका मूल स्वरूप है फॉर रिप्रोडक्शन। टुडे इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव अ चाइल्ड विद दैट पर्सन द अट्रैक्शन इज यूजलेस। अंडरस्टैंड? और तभी वो अट्रैक्शन ऐसा होता है, इट इज लाइक जो होता है ना पतंगे का लाइट के साथ, ना मिल पाते और ना दूर हो पाते। सो आज अगर आपको एडिक्शन से निकलना है सबसे पहले उसका मूल स्वरूप देखो। आज मैं खाना जो न्यूट्रिशन के लिए खा रही हूं तो मेरे सामने छोले भटूरे, इज इट गिविंग मी न्यूट्रिशन? ये तला हुआ जो भजिया खा रही हूं, पाव भाजी खा रही हूं, इज इट गिविंग मी न्यूट्रिशन? व्हाट इज इट डूइंग टू माय हेल्थ? तो जिस दिन आप उसका मूल स्वरूप देखोगे काफी सारा एडिक्शन तो वैसे ही चला जाएगा। राइट? उसके अलावा यस, हमारे योग में जो होता है प्रत्याहार, फास्टिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज बेसिकली टू क्रिएट सम डिसिप्लिन इन योरसेल्फ कि यस मैं फास्टिंग कर सकती हूं, आई नो हाउ टू से नो। अल्टीमेटली पता है हमारी जर्नी क्या है? अल्टीमेटली हम सबको अपनी दिल की सुननी है। आज हम अपनी दिल की नहीं सुनते हैं, हम अपनी इमोशंस की सुनते हैं, हम अपनी मन की सुनते हैं। आपको वो अंतर देखना पड़ेगा, मन क्या कह रहा है और अंदर से दिल क्या कह रहा है। मन कह रहा है सो जाओ, दिल कह रहा है काम करना जरूरी है। मन कह रहा है कि इसको गाली दो, दिल कह रहा है उसको माफ करो। मन कह रहा है कि आलस करो, दिल कह रहा है मेहनत करो। तो जिस दिन हमने दोनों का अंतर समझ लिया कि मन और दिल में, और जिस दिन हमने दिल की बात सुनना शुरू कर दिया वी विल गेट कनेक्टेड टू हिम। तभी जो दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा ये बात कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी बात सुनो। पर वो हमें समझ नहीं आता कि अपनी बात कैसे सुन लो, क्योंकि हम जो अपनी है वो मनी है हमारा, दिल से तो हमने कनेक्शन अभी तक ओपन ही नहीं किया है। अब हम सातों चक्र के लेसन पे आते हैं। अब ये सात चक्र जो हैं, यू कैन थिंक लाइक जैसे हम रेडियो में ना बटन से ट्यून करते हैं ना और करेक्ट फ्रीक्वेंसी आती है, वैसे ही चक्रों से ट्यून होकर हम ईश्वर के एक एस्पेक्ट से ट्यून होते हैं। पहला एस्पेक्ट है मूलाधार चक्र। ये चक्र है हमारे शरीर का। अगर ईश्वर का शरीर होता तो वो क्या करते? दैट इज मूलाधार चक्र। देखो फाइनली ईश्वर ने हमें अपने ही रिफ्लेक्शन में तो बनाया है ना, और हमें ईश्वर जैसा ही बनना है। अब मूलाधार चक्र के लेसन्स हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए इन दिस वर्ल्ड,
और ये चक्र है हमारे शरीर का। ये चक्र ब्लॉक होता है जब हम अपने शरीर को, हमारा जो मूल कारण है जिसके लिए हमने जन्म लिया है, उसके लिए हम शरीर को यूज नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम काम से कतराते हैं, आलस करते हैं, प्रोकेस्टिनेशन करते हैं, चीजों को पोस्टपोन करते हैं, राइट? वी आर नॉट ग्राउंडेड, वी आर नॉट लिविंग इन द रियलिटी। तो क्या होता है, ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। और ये चक्र को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लेसन बताते हैं कि तुम्हारे सामने जो काम आ रहा है उसको तो तुम्हें फेस करना ही करना है। आज दुनिया का हर चैलेंज जो आपके सामने आ रहा है उसका एक पर्पस है। हर चैलेंज, चाहे बच्चा आपके पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा हो, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इशू हो, आपके प्रोफेशनल आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हमें क्या करना है उनको, हमें उनको फेस करना है। पर हमारा नेचर कैसा है, जैसे ही हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आए हम भागने की कोशिश करते हैं। और इस प्रवृत्ति को एक जानवर का नाम दिया गया है, वो है मूषक, चूहा, राइट? कहते हैं ना कि थोड़ी मुसीबत आती है सबसे पहले कौन भागता है, और चूहे के ऊपर कौन बैठते हैं, और वो ही मूलाधार चक्र के स्वामी है। सो मूलाधार चक्र के स्वामी बताते हैं कि तुम्हें कोई भी लाइफ की चैलेंज आए, डोंट रन अवे लाइक अ माउस, फेस इट, राइट? इसके बाद इस चक्र में वो कहते हैं तुम्हारे पास जो भी चैलेंज है, तुम्हें अगर किसी ने काम दिया है तुम्हें वो करना है। ये कौन से भगवान थे जिनको कहा था कि एक बूटी लेकर आओ, उन्हें बूटी नहीं मिली तो ऐसे नहीं वापस आए, सॉरी आई डिडंट गेट, वो पूरा पहाड़ लेके आ गए। इस चक्र के जो दूसरे भगवान है वो है हनुमान। सो इस चक्र की एक और है, आज दुनिया में आपके पास जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी धन दौलत है, वो कहाँ से आती है, कहाँ से, राइट? हमारे पास जितनी भी है, यस, कुबेर से आती है, पर आप सोचो कि जो जितनी भी दौलत है क्या ऊपर से टपकती है, क्या लोगों से मिलती है, कि कहाँ से आती है, कहाँ से? सारी की सारी जो दौलत है वो हमारे को नीचे से मिलती है, धरती से, उसको कहते हैं भूमि देवी, चीज अम्मा। सारी की सारी जो दौलत है वो मिलती है जो पर्सन माँ के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये चक्र में भूमि देवी का निवास होता है। और जो जो लोग जमीन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे पहले जमाने में तो लोग नंगे पैर चलते थे, हम तो आजकल हर चीज में चप्पल चलते, तो हमारा वैसे ही डिस्कनेक्शन हो चुका है। तो धरती से कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ। और ये चक्र बताता है कि जिस तुम्हें ये लेसन रियलाइज करना है कि जितना तुम्हारी जरूरत है उतना पैसा तो तुम्हें मिलेगा ही, ये तुम्हारा अधिकार है। ये अधिकार हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा To be supported is our birthright. आज जैसे आप सब माएं हो, आपके बच्चे हैं, राइट? क्या आपके बच्चे को कभी सोचना चाहिए कि मम्मी मेरे कपड़े खत्म हो गए तो क्या होगा, मम्मी मैं घर आया तो रात को खाना नहीं होगा तो क्या होगा, क्या तूने मेरा टिफिन पैक किया, मैं जब 10th या 12th में जाऊंगा या मैं अपने करियर में जाऊंगा तो विल यू हैव मनी टू गिव मी गुड एजुकेशन, डज द चाइल्ड हैव टू वरी, देन व्हाई आर यू वरिंग? भाई वो तो माँ है ना, शी विल टेक केयर ऑफ यू। जिस दिन अंदर ये विश्वास हो गया ना, शी विल टेक केयर ऑफ मी, ओनली विश्वास, दे डजंट हैव टू बैर एनी प्रूफ।
तो क्या होगा, आपका हार्ट चक्र खुलेगा, यू विल डू व्हाट यू लव. जैसे मैं इसमें एग्जांपल बताना चाहती हूँ अपने मोदी जी का. जब मोदी जी छोटे थे उन्होंने तो नहीं सोचा कि भाई मुझे घर में रहना चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे. ही जस्ट लेफ्ट हिज हाउस. अतः आप सोचो उनका मूलाधार चक्र उन्होंने कैसे बैलेंस किया, उन्होंने घर ही छोड़ दिया. आई विल डू व्हाट आई लव, जहां मुझे दुनिया ले जाएगी मैं वहां जाऊंगा. चाहे मैं चाय की दुकान खोलूं या मैं झाड़ू लगाऊं पोंछा लगाऊं. ही जस्ट बैलेंस्ड हिज चक्र. मदर के साथ कनेक्शन रखा उन्होंने, मदर के साथ, बाकी किसी भी समाज के साथ नहीं, कि आई विल फॉलो माई हार्ट. तो देखो ईश्वर उनको वहां ले गए जहां वो डिजर्व करते थे. सो ये चक्र को ट्यून जो करना है ना, वो केवल ज्ञान से करना है कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, जितना मुझे जरूरत है वो पैसा तो आके ही रहेगा. और भगवान आपको हजारों बार ये दिखा चुके हैं, जब भी आपको पैसे की जरूरत थी कहीं ना कहीं से पैसा आया. यस ऑन. तो इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है. एक दिन भी आप खाली पेट नहीं सोए, कभी भी नहीं था कि आपके पास छत नहीं थी, कपड़े नहीं थे. तो ये जो भय है अंदर, इट इज अ माया, इट इज जस्ट अ इल्यूजन. सत्य है ही नहीं वो. तो हमें इस सत्य से ट्यून होना है. और भूमि देवी आपसे एक चीज चाहती है इस चक्र को खोलने के लिए. वो कहती है अपने माता और पिता से हमेशा कनेक्टेड रहो. ये चक्र उन्हीं का खुलता है वो ऑनर देयर पेरेंट्स. बिकॉज आज आपके पेरेंट्स कैसे भी हो, उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, उन्होंने जन्म तो दिया, उसके लिए ही यू हैव टू रेस्पेक्ट एंड ऑनर देम. अगर किसी भी रीजन से अगर आप पेरेंट्स का नहीं ख्याल रख पाते हो, वो दूर रहते हैं, दूर से ख्याल रखो. पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्ट हो, एक फियर हो, आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर माई पेरेंट्स, या मेरे पेरेंट्स मेरे कारण दुखी हैं, तो ये चक्र बैलेंस नहीं हो सकता. सो अपने अंदर जो भी पॉसिबल है डू फॉर देम, और बाकी नो दैट यू आर ऑनरिंग योर पेरेंट्स. क्लियर है. अब हम आते हैं दूसरे चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र पे. ये चक्र है स्वाधिष्ठान, आपका स्थान, राइट. अगर ईश्वर आप बन के आते तो वो कैसे होते. हर पर्सन को भगवान ने भेजा है अलग अलग रोल के लिए. कोई टीचर है, कोई हीलर है, कोई पेंटर है, कोई पॉलिटिशियन है. हर पर्सन ने अलग अलग रूप लेके जन्म लिया है और वो रूप दर्शाता है ईश्वर को. इसके लेसन्स हैं कि सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने आप को ऑनर करो. ये बोलना तो बहुत आसान है, पर 95% लोग सबसे पहले खुद ही को डाउट करते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी. अरे आप तो ईश्वर के प्रतिबिंब हो, व्हाट कैन बी योर प्रॉब्लम. अगर आपको परफेक्ट बनाकर ही भेजा होता तो आप बच्चे की तरह पैदा नहीं होते. भाई यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड फॉर वन पर्पस. जब आप पहचानने के लिए आए हो तो व्हाई यू हैव सेल्फ डाउट. आप सोचो ना कितना बड़ा इल्यूजन है सेल्फ डाउट. तो स्वाधिष्ठान चक्र में वो बताते हैं कि सबसे पहले यू हैव टू ऑनर योरसेल्फ, कि मैं जैसा हूं, मैंने वो नहीं किया जो ये चाहता था, मैंने वो नहीं किया जो मैं चाहती थी, मैंने वो नहीं किया जो कोई लोग सोचते थे मुझे करना चाहिए. डजंट मैटर, आई स्टिल ऑनर माई सेल्फ. व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम ऑनरिंग योरसेल्फ. आपसे लाखों लोग ऊपर हैं, पर लाखों लोग भी तो आपके आपके जैसे हैं ना. तो ये चक्र सिखाता है कि ऑनर योरसेल्फ एंड एट द सेम टाइम आज आपके लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका स्पाउस हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, एवरी पर्सन इज सेंट बाय हिम.
every single person was supposed to be there. उसने आपको धोखा दिया तो उसने आपको सिखाया how to protect yourself. उसने आपको खंजर मारा, उसने आपको सिखाया उसको कैसे माफ करो. उसने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, आपने सीखा कैसे मैं अपनी इंटेलिजेंस यूज करके स्ट्रेस को भगाऊं. उसने आपको नहीं समझा, उसने आपके साथ गलतफहमी करी, आपने सीखा कि मैं कैसे उससे बात करके उसको समझूं और समझाऊं. उसने आपके साथ इतना झगड़ा किया तो आपने सीखा कि कैसे मैं लक्ष्मी की तरह कीचड़ के ऊपर उड़ जाऊं. आज अगर आपको हर मिनट आनंद में रहना है तो आपको स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना है. स्ट्रेस में रह के तो आनंद नहीं होता. हम वो आनंद की बात नहीं कर रहे हैं कि डिस्को म्यूजिक चला के सब डांस करो. दैट इज जस्ट प्लेजर. इट इज मोमेंट्री. हु वांट्स इट? इट इज ईजी, राइट? छोटी छोटी चीजों के प्लेजर की हम बातें नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. यस और नो? उसके लिए तो भाई आपको स्ट्रेस को तो मैनेज करना ही है ना. और स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कंट्रोल छोड़ दो. क्यों कंट्रोल करते हो? क्यों? जैसे मेरे पास आज सवेरे एक लड़की थी, मैं मेरे को सीए फाइनल का एग्जाम देना है, मेरा इस बार होना ही होना है, दिस दैट. मैं कहा नहीं हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे क्या? छोड़ दो उसको, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. लेडीज को है, मेरे बच्चे को ऐसा रिजल्ट आना ही आना है, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ ऐसा बिहेव करना ही करना है, मुझे प्रमोशन होना ही होना है. चाहे वो लोगों का बिहेवियर हो, चाहे बच्चे का बिहेवियर हो, चाहे हस्बैंड का बिहेवियर हो, हर चीज को हर पर्सन कंट्रोल कर रहा है कैसा होना चाहिए. और आपको पता है जब आप कंट्रोल करते हो ना, एक बहुत बढ़िया चीज होती है. वो पर्सन जिसको कंट्रोल कर रहे हो वो कभी भी नहीं करता है जो आप चाहते हो. ये एक नॉर्मल रूल है लाइफ का. आपने कभी खुद नोटिस किया है अगर कोई आपकी फ्रेंड आपको कंट्रोल कर रही है? देख, भूलना मत, भूलना मत, वो तो पक्का भूलोगे आप. यस और नो? और जो पर्सन आपके बहुत पीछे पड़ता है ना, आप उसका काम तो कभी करते ही नहीं हो. जैसे हम लोग अपनी कंपनी में सोचते थे, कुछ लोग हैं ऑर्डर करने के बाद कंटिन्यूस कॉल करते थे, मैडम मेरे बीड में क्रैक नहीं होना चाहिए, ऐसा पैक वैसा पैक. ऑर्डर होता था 50 रुपए का, पर इतना ज्यादा फोन, जितना ज्यादा फोन कि उसका ऑर्डर मिस ही हो जाता था. तो जो पर्सन बहुत ज्यादा पीछे पड़ता है ना, उसका तो वो चीज कभी होती ही नहीं है. ये रूल है लाइफ का. चाहे वो आप अपने हस्बैंड के साथ करो, अपने फ्रेंड के साथ करो, अपने बच्चों के साथ करो, अगर आप कंट्रोल करते हो तो वो बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है, वो नहीं सुनता आपकी बात. ही डजंट वॉन्ट टू लिसन टू यू. इट इज नेचुरल ना. आजकल मदर्स जो हैं वो सोचती हैं कि मैं बच्चे को इतना कंट्रोल कर रही हूं तब जाके उसको 80% आ रहे हैं. अरे कंट्रोल करना छोड़ो, 95 का बच्चा है वो. आज हमें लगता है अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो क्या होगा. अरे छोड़ो तो सही. आज सब लोगों ने एक दूसरे को बांध रखा है. हस्बैंड को कंट्रोल, उस पर नजर है कि नहीं प्रॉपर. मैंने छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा, राइट? सास जो है वो बहू को कंट्रोल कर रही है. हर पर्सन किसी ना किसी को कंट्रोल कर रहा है. तो सबसे पहले सोचो कि हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं. क्यों? Who will tell? Why are we controlling? Insecurity क्या है? They are not? Yes. One is we are controlling सबसे पहले because हम उन पर निर्भर हैं. या तो हम सोचते हैं हम उनके लिए responsible हैं. भाई मैं माँ हूं तो मैं तो responsible हूं. ये क्या बात हुई भाई? आज एक बिल्कुल अनपढ़ स्त्री का भी बच्चा बहुत बड़ा हो सकता है और एक बहुत पढ़ी लिखी का बच्चा भी सिंपल हो सकता है. तो आप यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइल्ड. आप बच्चे को बस खाना खिलाओ प्रॉपर, दैट्स इट.
आपका काम है ही नहीं कि उसको करियर या पढ़ाई में भेजो. अंडरस्टैंड, आपका रोल है ही नहीं. सो सबसे पहले हम कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम उस पर डिपेंडेंट हैं या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. यस और नो? तो हम सोचते हैं कि भाई मैं हस्बैंड को कंट्रोल करूं तो मैं वाइफ कैसे रही? भाई मुझे अच्छी वाइफ रहना तो मुझे कंट्रोल करना है इनको. मैं कंट्रोल नहीं करूंगी तो एक्स्ट्रा खाएंगे, एक्स्ट्रा पियेंगे, एक्स्ट्रा स्मोक करेंगे. और एम्प्लॉयर हो, बॉस हो, तो अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करो. मैं नहीं करूंगा तो काम कैसे करेंगे? सो आज पूरी दुनिया चल रही है कंट्रोल के साथ और तभी बीमारियां हैं. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज क्यों है? बिकॉज ऑफ कंट्रोल. जब हम ही नेचुरल नहीं है तो हमारे अंदर के हॉर्मोन्स नेचुरल हो जाएंगे क्या? तो सबसे पहले समझना है कि हमें ये लाइफ को बहुत नेचुरल लेना है. हमें बहुत नेचुरल. मैं आपको खुद का एग्जांपल बताती हूं. मेरे को भगवान ने 4 बच्चे भेजे फॉर ट्रेनिंग. तो पहली बेटी के समय तो हम भी आपके जैसे थे, बहुत कंट्रोल. जब उसकी शक्ल दिखी तो पढ़ क्यों नहीं रही है? मतलब कंटिन्यूस उसके साथ था, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. और वो बस हमारे सामने पढ़ाई करती थी पर मार्क्स वक्स अच्छे नहीं आते थे. तो जब हमने इतना कंट्रोल कंट्रोल करके फाइनली एक दिन हम हताश हो गए और हमने छोड़ दिया कंट्रोल, और तब जाके उसका रिजल्ट अच्छा आया. बाकी सेकेंड थर्ड बच्चों में तो भूल ही गए कि उनका बोर्ड एग्जाम था. और बच्चों ने इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा रिजल्ट आया, व्हेन वी डिडंट कंट्रोल. बिकॉज क्या होता है, जब हम बोझा लेके घूमते हैं ना, बच्चे का एग्जाम है तो बच्चा बोझा नहीं उठाता है. अंडरस्टैंड, हमें बर्डन होता है कि बच्चे का करियर, बच्चे का क्या करना है, हमारा बर्डन होता है. बेटर है वो बर्डन उसको दे के निफ्राम हो जाओ. सो हमें जो है ना, जिसका बर्डन है उसको दो. हस्बैंड की हेल्थ है, काफी अकलमंद है, उसको पता है मुझे क्या खाना है नहीं खाना है, उसको बोझा दे दो. राइट? आज आपकी नई बहू आई है ना, आपको लगता है मैं घर इतना अच्छा सेट करती थी, कोई बात नहीं, एक दिन खाना उल्टा सीधा खा लेंगे कुछ महीने, उसको दे दो बोझा. ऑफिस में अगर आप बॉस हो, सारा बोझा एम्प्लॉयज को देखकर आप निफराम हो जाओ. आप सोचो ही मत कि आप उनको पीछे पड़ोगे तो वो काम करेंगे. उनको बोझा दे दो और फ्री हो जाओ. यू विल बी सरप्राइज्ड, दे विल स्टैंड अप टू डू द वर्क विच इज रिक्वायर्ड. इट इज अ नेचुरल लॉ. आप खुद भी एम्प्लॉई हो गए, आप नोटिस करोगे. आज अगर आपका बॉस आपको ट्रस्ट करता है, यस, आपका बॉस आपको ट्रस्ट करके दे देता है कि देखो ये प्रोजेक्ट है तुम संभालो, आप संभालते ही हो ना, उल्टा आप ज्यादा घबरा जाते हो कि ये देख ही नहीं रहा है क्या होगा, सारा सिर मेरे पे है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू ट्रस्ट पीपल, हाउ टू डेलीगेट एंड हाउ टू नॉट कंट्रोल एनीवन. आज कंट्रोल का कारण है क्योंकि हमारे को दूसरे के साथ डिपेंडेंसी है. हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, हमें खुद पर ट्रस्ट नहीं है, हमें ईश्वर पर ट्रस्ट नहीं है. और हमें बहुत भय है कि हमने अगर कंट्रोल छोड़ दिया तो क्या होगा. पर आज लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स पता है क्यों हैं? आप चाहते हो सक्सेस. हर चीज में आप सक्सेस चाहते हो. भाई बच्चा है तो अच्छा पढ़े, हस्बैंड है तो अच्छा कमाए, एम्प्लॉयज हैं तो अच्छा काम हो, बिजनेस है तो बिजनेस प्रॉस्पर हो. पर लाइफ ने आपको इसके लिए तो भेजा ही नहीं है ना. लाइफ ने आपको क्यों भेजा है? लाइफ ने क्यों भेजा है? फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. अगेन भूल जाते हो, थोड़ी देर में वापस भूल जाओगे. नहीं नहीं, बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, कमाना है, ये करना है, फिर वाई वी हैव कम. नो नो नो, सेल्फ रियलाइजेशन. आप सोचो ना, हर सिचुएशन से लाइफ आपको सिखा रही है ना, हर सिचुएशन से सिखा रही है. बच्चा नहीं अच्छा कर रहा है, सिखा रही है हाउ टू लेट गो ऑफ कंट्रोल. ये आपका स्वरूप है. ट्रस्ट करना आपका स्वरूप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आपका स्वरूप है. आज ईश्वर ने भी तो हमें क्रिएट करके छोड़ दिया है ना,
लुढ़कते पुढ़कते हम काम कर ही रहे ना सब लोग, ईश्वर भी हमें छोटा सा बच्चा देके छोड़ देता है, एक नई नवेली माँ कैसे बच्चे को संभाल ही लेती है, ईश्वर भी तो अपने क्रिएशन को हमें दे ही देता है ना। तो हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो उसकी क्वालिटीज हैं, उसकी हर सिचुएशन हमें उसकी क्वालिटीज दिखा रहा है, और जैसे जैसे वो क्वालिटी हम अपनाते जाएंगे हम रियलाइज करेंगे हम ही वही हैं, एंड दैट इज योग, वही योग है। आज जितनी भी आप है ना पुराण पढ़ो, जितनी भी बुक्स पढ़ो, उसमें यही तो क्वालिटीज हैं। आज हम रामायण पढ़ते हैं, हमें जो कहानियां हैं वो हमें पता लगता है ईश्वर की क्या क्वालिटी है। आज राम भगवान की कहानी है, जब पिता का आदेश था तो उन्होंने पुत्र धर्म निभाया, चले गए 14 साल, पत्नी को अगवा किया रावण ने तो पति धर्म निभाया, लड़के वाइफ को वापस लाए। जब राजा बने तो राज धर्म निभाया, पत्नी को छोड़ा। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये ईश्वर की तो क्वालिटीज है ना, कि व्हाट इज मोर सुपीरियर एट दैट टाइम। और जब बच्चे हुए तो अपना पिता धर्म निभाया, बच्चों को अपनाया। सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच वी आर टोल्ड, डिफरेंट स्टोरीज इन विच वी आर टोल्ड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गॉड गॉड। सो आज अगर हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, आज हमें हैप्पी रहना है, तो हमें उसके जैसा ही तो बनना है ना, नहीं तो वो आनंद कैसे रह सकते थे। वो हमें अलग अलग कहानियों के द्वारा, हर पर्सन एक कहानी है, हर पर्सन ईश्वर की एक कहानी है, वो हर कहानी के द्वारा सिखा रहे हैं कि मैं आनंदित कैसे हूं, हाउ आई कैन बी हैप्पी अंडर एवरी सर्कमस्टेंस। रियलिटी है कितना भी पैसा आ जाए पीपल आर नॉट हैप्पी, कितनी भी अच्छी पत्नी हो, कितने भी अच्छे बच्चे हों, पीपल आर नॉट हैप्पी, कितना भी उनका यश हो नाम हो फिर भी दे आर नॉट हैप्पी। तो हैप्पीनेस जो है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड टुडे पीपल आर रनिंग आफ्टर एक्सटर्नल थिंग्स। जिस दिन आप रियलाइज करोगे ना, जैसे जैसे आप ईश्वर के गुण अपने अंदर उतारते जाओगे ना, वैसे वैसे एक्सटर्नल चीजें भी आती जाएंगी। मोर यू बिकम लाइक हिम, मोर यू क्रिएट लाइक हिम। आज जो अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, ये हमारा नेचर है, हमें कुछ नहीं करना है उसके लिए। आज जो पैसा है, धन दौलत है, यश है, ये हमारा गुण है, इट्स अ गुण, हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, एक्स्ट्रा क्वालिफाइड नहीं होना है। जो पर्सन ने वो गुण रियलाइज कर लिया उसने क्रिएट कर लिया। तभी वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एफर्मेशंस हैं, वो यही तो चेंज करते हैं आपको। इट इज अ स्टेट ऑफ द माइंड। सो आज जैसे जैसे आप अपने नेचर के साथ ट्यून हो गए, आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी, आपके बच्चे ऑटोमेटिक लाइफ में बहुत अच्छा करना लगेंगे, आपका स्पाउस ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंसियर हो जाएगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा व्हेन यू कनेक्ट टू योर नेचर। आज आपको जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम दिखे बाहर, प्रॉब्लम मत देखो, ये देखो मुझे क्या सीखना है। Whenever you see a problem, don't see the problem, see what I have to learn inside. Everyone understands this? Har minute ye dhyan rakho, I have come in this world for self-realization. Ye problem mujhe kya realize karwa rahi hai? Agar aapne realize nahi kiya, another problem will come to teach the same lesson. Then another problem, then another problem. जो कहते हैं ना द जंगल फायर, आज आपको दिख रही है ना आग, आग इज द लिटिल स्पार्क यू इग्नोर्ड यस्टरडे। सो आज आपको छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं, आप सीख जाओ, नहीं तो वो बड़ी बड़ी होकर आपके सामने आएंगी। आज आपने बच्चे का छोटा इनडिसिप्लिन को इग्नोर किया, वो बड़ा काम करेगा, फिर इग्नोर करो फिर और बड़ा करेगा।
So why don't you face it the first time? Just face it. जैसे ही problem आए face it. हमने अपनी कंपनी में क्या किया है, हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, सिंपल सी एक कस्टमर का कंप्लेंट आता है, राइट? एक कस्टमर ने गूगल में लिख दिया हमारे अगेंस्ट, छोटा सा, इमीडिएट हमारी मीटिंग होती है, हम इमीडिएट एक डिसीजन ले लेते हैं. हम ये नहीं सोचते चलो कोई बात नहीं छोड़ दो, इस पर्सन को क्यों बोलो, स्टाफ को क्यों नाराज करो. हम उसी समय बुला के कहते हैं कस्टमर को ये प्रॉब्लम क्यों आई, हाउ टू अवॉइड इट टुमारो, उसी समय हम सॉल्व करते हैं. कहीं पर भी हमें ऑब्स्टिकल दिखता है, कुछ भी दिखता है, डोंट इग्नोर, इमीडिएटली सॉल्व इट, राइट? तो जो सारे चक्रों के लेसन्स हैं, जैसे अभी हमने स्वादिष्ठान किया, अब मणिपुर चक्र के लेसन्स हैं. ये चक्र सिखाता है आज आपके रास्ते में जो रुकावट आ रही है ना, उसकी चाबी आपके पास है. आप कह सकते हो मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, मैं इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकता. द रियल सीक्रेट इज वो प्रॉब्लम जानबूझ के भेजी गई है और उसकी चाबी आपके पास है, बट यू हैव टू जस्ट फाइंड इट, यू जस्ट हैव टू डिस्कवर इट इनसाइड यू. वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? इस चीज को याद रखो, बाकी हम अपनी वर्कशॉप में इसमें और डिटेल में बताते हैं. कुछ भी हो प्रॉब्लम, यू कैन नॉट से आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई कैन नॉट सॉल्व इट. या तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व अलग तरीके से करो, या वो प्रॉब्लम से डिटैच हो जाओ, या उसको माफ कर दो. कुछ ना कुछ तरीका है जिससे यू कैन बी एट पीस, राइट? उसके बाद है अनाहत चक्र. अनाहत चक्र बहुत ही खूबसूरत चक्र है आपके दिल का, राइट? ये चक्र कहता है मुझे आहत मत कर, राइट? मुझे बंद मत कर. आज आपको जो भी चीज खराब लगती है, जो भी चीज आपको दर्द देती है, आप हार्ट चक्र को बंद कर लेते हैं, राइट? पर जब हार्ट चक्र को बंद करते हो ना, तो यू स्टॉप मीटिंग द एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. आज आपको लाइफ के जो अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहे हैं ना, आप एक्सपीरियंस को फील नहीं कर पाते. ईश्वर कहता है कि एवरी एक्सपीरियंस यू हैव टू फेस विद ओपन आईज, राइट? जितने भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डोंट मिसट्रस्ट देम, फेस देम विद ओपन हार्ट. तो अनाहत चक्र जो बताता है कि दुनिया में कोई चीज खराब है ही नहीं और कोई चीज अच्छी नहीं है, हर चीज बस है. अब मैं एक्चुअली आपसे पूछती हूं, क्या कोई चीज रियली में खराब होती है दुनिया में, और क्या कोई चीज अच्छी होती है? कोई पर्सन चोरी करता है, दूसरे को हार्म करता है, दूसरे को असॉल्ट करता है, राइट? गलत काम करता है, क्या वो गलत है? और एक दूसरा पर्सन है, ऑनेस्टी करता है, लोगों में पैसे बांटता है, बहुत हेल्प करता है, डू यू से इट इज गुड एंड दिस इज बैड? ब्यूटिफुल. आई थिंक सारे लोग यहाँ पर काफी एलिवेटेड है. हमें समझना है कि कोई चीज राइट है ही नहीं और कोई चीज रॉन्ग है ही नहीं. हर चीज जो है वो केवल एक सत्य है, और सत्य का पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन. जैसे वाल्मीकि जो हैं, पहले आपको पता है वो एक डाकू थे, उनका नाम था रत्नाकर, पर आज उन्होंने जब ये सब काम किया तब जाके तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है. जब नारद मुनि आए और उनको कहा कि तुम्हें पता है कि तुम जो काम कर रहे हो गलत है, वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे बीबी बच्चों का पेट भरना है. तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि इसका फल क्या होगा? देखिए, गलत और सही में डिफरेंस नहीं है, पर दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होता है. गलत का रिजल्ट होता है मृत्यु, दुख, दर्द, सजा, राइट? जैसे रावण भी था और राम भी था. रावण अपने में खुश था कि भाई मेरे पास महल है, इतना ऐशो आराम है, इतना पावरफुल हूं मैं, पर जो अंधेरा है, रावण इज अंधेरा, अधर्म,
और अधर्म जो है वो उजाले से नष्ट हो जाता है. डार्कनेस जो होता है ना अंधेरा, उसका भी अस्तित्व है, पर जैसे ही उजाला आता है उसका अस्तित्व मिट जाता है. तो हर चीज का कॉन्सिक्वेंस है. आप गलत काम करोगे कहीं ना कहीं आपको सजा मिलेगी, आपको भुगतना पड़ेगा. बट इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज अ सिचुएशन. तो नारद मुनि ने बताया रत्नाकर को कि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें उसका कॉन्सिक्वेंस पता है. उसने कहा मुझे पता है, मेरी फैमिली को भी पता है, पर मेरे पास कोई चारा ही नहीं है. उसने कहा अपनी फैमिली से जाके पूछो कि क्या वो भागीदार हैं आपके अधर्म में. उसने जाके पूछा तो सबने मना कर दिया, भाई तुम्हारी ड्यूटी है तुम हमारा पालन पोषण करो, पैसे कहाँ से लाते हो, वो हम क्यों भागीदार हों आपके. तब उसको रियलाइज हुआ और तब जाके उसने जो है ये काम छोड़ के ही बिकेम अ सन्यासी. और तब जाके उन्होंने इतना बड़ा जो धर्म का जो ग्रंथ है रामायण जाके लिखा. तो हमें समझना है गलत और सही कुछ नहीं है, बस एवरीथिंग हैज गॉट अ कॉन्सिक्वेंस. और हमें क्या करना है, अपने हार्ट को ऑलवेज ओपन रखना है टू लर्न द लेसन विच वी हैव कम टू लर्न. पर होता क्या है, बोलना बहुत आसान है, 99% लोगों के हार्ट बंद होते हैं बिकॉज ऑफ मिसट्रस्ट. यस ऑर नो, कि मैं विश्वास कैसे करूं, सबके हार्ट बंद है मिसट्रस्ट के कारण. क्योंकि जब धोखा मिलता है, जब दुख होता है तो दर्द बहुत होती है. यस ऑर नो, पर अब क्या करें कि हार्ट खुला रखें. व्हाट शुड वी डू फॉर दैट. यस, व्हाट टू डू टू कीप द हार्ट ओपन. क्योंकि हार्ट ओपन नहीं होगा आप कोई लेसन सीखोगे ही नहीं. वन इज यस, सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट सिखाता है भैया डिटैच हो जा, सबसे डिटैच, जस्ट डिटैच सबसे, बच्चों से, फैमिली से, जो जो चीज आपको परेशान करती है उससे डिटैच हो जाओ. ये रियलाइज करो मैं पिक्चर में, पिक्चर नहीं, मैं एक्टर नहीं हूं प्ले का, ना मैं पिक्चर देख रही हूं, ये पिक्चर चल रही है क्योंकि पिक्चर के द्वारा मैं खुद को समझ रही हूं. आज आप भूल गए हो, यू थिंक यू आर एन एक्टर इन द प्ले एंड दैट इज द सफरिंग. सो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है डिटैच. पर आप सोचो जो पर्सन को नशे का शौक है उसको बोल भैया डिटैच हो जा, कितना मुश्किल है. मजा आ रहा है बहुत उसमें, पर जिस दिन डिटैच हो गए तभी तो आनंद का महसूस करोगे ना, आनंद को. हमें डर होता है कि हम इससे डिटैच हो गए तो हमारा क्या होगा. अरे कुछ नहीं होगा, यहाँ आनंद है. You are the person who defines what makes me happy. आपने छोटे बच्चे को देखा है, उसको कुछ भी मिल जाए टॉय वो उससे खेलता है, because उसका नेचर आनंद है उस समय तक. Understand? उसको पेन मिलेगा तो उससे खेलेगा, उसको प्लग मिलेगा उससे खेलेगा, उसको समसी मिलेगी उससे खेलेगा, because नेचर ही आनंद है. आज हमारा नेचर आनंद है, पर हमने डिफाइन कर रखा है नहीं, सक्सेस गिव्स मी हैप्पीनेस. मेरे बच्चे अच्छा करें, इट गिव्स मी हैप्पीनेस. माय फ्रेंड्स गिव मी हैप्पीनेस. डूइंग अ लॉट ऑफ शॉपिंग गिव्स मी हैप्पीनेस. राइट, आज यू हैव डिफाइंड व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड दैट इज द बिगेस्ट इल्यूजन. जो जो चीज आपको लग रहा है ना आपको हैप्पीनेस दे रही है, वही चीज आपको दुख दे रही है. क्योंकि हैप्पीनेस बिना ऑपोजिट के एग्जिस्ट ही नहीं करती है. आप कह रहे हो बच्चे मुझे हैप्पीनेस दे रहे हैं, जो बच्चे अगर वो नहीं बिहेव करें जैसा आप चाहते हो उसी से सैडनेस है. पैसा हैप्पीनेस दे रहा है, पैसा की जो विरक्ति है उससे आपको अनहैप्पीनेस है. रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस दे रहे हैं, वही रिलेशनशिप पेन दे रहे हैं. करियर हैप्पीनेस दे रहा है, वही करियर आपको अनहैप्पीनेस दे रहा है. So, आज जो ये डुअलिटी क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ योर डेफिनेशन दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, यू हैव टू रियलाइज यू आर हैप्पीनेस. खुशी आपका तत्व है, आपका नेचर है. जैसे गुलाब का फूल है, उससे कहो कि तेरी खुशबू कहां से आती है.
वो सोच सकता है कि भाई खुशबू से मुझे खुशी मिलती है, अरे वो ही खुशबू है, गुलाब का फूल ही खुशबू है, वो खुशबू उसको कहीं से मिलती नहीं है, खुशबू ही उसका तत्व है। आनंद आपको किसी चीज से नहीं मिलता, आनंद आपका तत्व है, आपका जो तत्व है वो है सत्य, इट इज कॉन्शियसनेस, नोइंगनेस एंड आनंद। तो ये जो चक्र के लेसन हैं, अनाहत चक्र जैसे मैंने बताया कि आपको बंद करते हो बिकॉज ऑफ मिसट्रस्ट, पर ये आपने डिफाइन किया ना, आई कैनॉट ट्रस्ट हिम, भाई ही डिड समथिंग, द पर्सन डिड समथिंग, आप डिफाइन कर रहे हो कि उसने गलत किया है, भाई उसने वो किया जो उसको सही लगता था, आप वो करो जो आपको सही लगता है। किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपकी लैंग्वेज में धोखा दिया, उसने वो किया जो उसको सही लगता है, आप वो करो जो आपको सही लगता है। Why do you define it as mistrust? आ रहा है इसको समझ? सो हार्ट चक्र सिखाता है फॉरगिवनेस, डिटैचमेंट, कि डिटैच हो जाओ, देन यू विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज लाइक अ गेम ओनली। सपोज आज आप किसी अनजान जगह पे गए, यू वेंट टू स्विट्जरलैंड जहां आप किसी को नहीं जानते, आप वहां भी तो इंजॉय करोगे ना, यस ऑर नो? एंड यू गो टू सम प्लेस विद लव्ड वंस, वहां भी इंजॉय करोगे, पर वहां भी इंजॉयमेंट है, यहां भी इंजॉयमेंट है, तो डिटैच होके भी इंजॉयमेंट होता है, यस ऑर नो? सो उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र के लेसन्स है ऑफ कम्युनिकेशन। आज दुनिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ना हम लोगों को समझ सकते और ना हम समझा पाते, और मैक्सिमम जो फ्रस्ट्रेशन है इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चक्र के लेसन्स आपको सिखाता है हाउ टू हैव द पेशेंस टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू हैव द पावर टू मेक अवर सेल्फ अंडरस्टूड। समझने के लिए करुणा चाहिए किसी को, और समझाने के लिए शक्ति चाहिए। पर आज क्या होता है, जब हम ईदर ऑफ देम नहीं करते, हमें बहुत इंटेंस फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत हेल्पलेसनेस होती है। तो ये चक्र जो है विशुद्ध चक्र, ये चक्र में बहुत सारे लेसन्स हैं कैसे हम प्योर हो सकते हैं और ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आखिरी दो चक्र हैं, आज्ञा चक्र जो है थर्ड आई चक्र, ये चक्र हमें सिखाता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट जो हो रहा है पहले तो उसको एक्सेप्ट करो। हमें एक्सेप्ट करने में क्यों प्रॉब्लम होती है, हु विल टेल? हमारा ईगो आ जाता है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, और बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसे क्यों हो रही है, राइट? तो हमने डिफाइन कर रखा है कि भाई जीवन ऐसा है पर एक्चुअली ऐसा हो रहा है, हाउ डू आई एक्सेप्ट, राइट? तो एक तो है हमारी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, हमारा ईगो आ जाता है, और क्या रीजन है? बिकॉज वी आर जजिंग, और एक हमें बहुत फियर है किसी चीज को एक्सेप्ट करने का कि हाउ कैन आई एक्सेप्ट इट। पर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसके नुकसान क्या है? अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो फॉर एनी थिंग, हम दुखी होते हैं। सबसे वर्स्ट होता है अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो हमें सोल्यूशन ही नहीं मिलता है, पता है आपको? जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, यू डोंट गेट अ सोल्यूशन, बिकॉज आपने उसको ग्रहण ही नहीं किया ना, तो आपकी बुद्धि तो काम ही नहीं करेगी, राइट? सपोज आज समथिंग इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, समथिंग इज नॉट वर्किंग, आज हम कंप्लेन क्यों करते हैं? बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट। आज हम किसी की कंप्लेन क्यों करते हैं? आज कंटिन्यूस जो सास है वो बहू की कंप्लेन करे जा रही है, बहू जो है वो सास की कंप्लेन किए जा रही है, बीबी जो है वो पति की कर रही है, पति जो है वो बीबी का कर रहा है, माँ जो है बच्चे की कर रही है, एवरी वन इज कंप्लेनिंग।
पर उससे होता क्या है, कंप्लेन करने से क्या होता है, द पर्सन ऑल्सो नेवर चेंजेस। आपको पता है दुनिया बहुत मैजिकल है। आज अगर आपने डिफाइन कर दिया है ना कि ये पर्सन ऐसा है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपने डिफाइन कर दिया है कि मेरा बच्चा बहुत आलसी है, मेरा बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, राइट, मेरा बच्चा केयरलेस है, आपको पता है आपका बच्चा वैसे ही रहेगा। इफ यू हैव डिफाइंड कि माय हस्बैंड इज लाइक दिस, माय हस्बैंड डजंट डू दिस और ही बिहेव्स लाइक दिस, ही विल कंटिन्यू टू बी लाइक दैट। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको थोड़ा धोखा दिया था, उससे पैसे ले लिए थे पर उसको घर नहीं दिया था, और उस चीज को 12-13 साल हो चुके थे। मैंने कहा अब आप अपने फ्रेंड के बारे में क्या सोचते हो, कहते वो धोखेबाज है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो लालची है। मैंने कहा क्या एक धोखेबाज, लालची, बदमाश क्या आपको पैसे देगा? भाई धोखेबाज, लालची, बदमाश तो पैसे वापस नहीं करेगा। आज आपने डिफाइन कर दिया है कि मेरा बच्चा ऐसा 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 है, तो अच्छे मार्क्स आएंगे उसके? आज आपने डिफाइन कर दिया कि मेरे हस्बैंड ऐसे 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 हैं, तो भाई आपके लिए कुछ करेंगे वो फिर? आज आपने डिफाइन कर दिया है कि मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, मेरे से इतना काम निकलवा लेता है, मुझे प्रमोशन नहीं देता, वो देगा प्रमोशन? आज आपने डिफाइन कर दिया कि मेरे एम्प्लॉयज ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी डेस्टिनी ऐसी है, क्या वो चेंज होगी? तो कैसे चेंज करें फिर? भैया आपने डिफाइन तो कर ही दिया है ना, फिर यस, तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए यस, थिंक गुड के लिए क्या करना है? एक्चुअली जो हमारे चक्रियों का जो बेसिक फाउंडेशन एक चीज पे होती है, वो है कि सबसे पहले तुम्हें नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ता है। देखो अगर आपने किसी चीज़ के बारे में आप नेगेटिव हो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव हो, यू कैन नॉट थिंक गुड इमीडिएटली, यस ऑर नो? आप इमीडिएटली गुड नहीं सोच सकते उसके बारे में, राइट? इतने ये सारे आपके इमोशंस हैं, दर्द के, भय के, आप कैसे उसके बारे में अच्छा सोच लो? तो आज जितने भी हमने भय की बात की, जैसे मूलाधार में भय है अस्थिरता का, स्वादिष्ठान में है सेल्फ डाउट, मणिपुर में है लॉट ऑफ पावरलेसनेस, अनाहट में है मिसट्रस्ट, विशुद्ध में है फ्रस्ट्रेशन, इसमें है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। आज इतना सारा इमोशंस के साथ ये भय बैठे हुए हैं, तो आई कैन नॉट जस्ट टेल यू एक्सेप्ट इट। How can you accept? I can't accept. How can I trust? I cannot trust. How can I become stable when I have so much of fear of instability? मैं इस पर्सन के बारे में अच्छा कैसे सोचूं जब इतना सारा बुरा हो चुका है? Do you understand? Negativity जब तक होगी आप positivity नहीं ला सकते। एक ग्लास में अगर गंदा पानी भरा हुआ है तो आप उसमें साफ पानी नहीं भर सकते। सो हमारे चक्र योग में जो हमारा मेन मेडिटेशन होता है, हम सबसे पहले ग्लास को उल्टा करते हैं, हम सबसे पहले भय को निकालते हैं। अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, इनस्टेबिलिटी के भय को निकाल दो। अगर आज आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, अपने बारे में सारी सेल्फ डाउट को निकाल दो। आज आपको पावर चाहिए ना, तो पावरलेसनेस को निकाल दो। आज आपको ट्रस्ट करना है ना, तो मिसट्रस्ट को निकाल दो। आज आपको कम्युनिकेट करना है ना, तो फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। आज आपको एक्सेप्ट करना है ना, तो नॉन एक्सेप्टेंस निकाल दो। सो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस कर देते हैं कि हमें नेगेटिविटी को निकालना है। जैसे आप प्राणायाम करते हो ना, कपालभाति,
सब चीज निकालते ही तो हैं हम, उसमें भी हम इमेजिन करते हैं कि हम नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। मैंने उस दिन एक इंटरव्यू देखा था, हम तो ये मेडिटेशन काफी सालों से सिखा रहे हैं, वो मोदी जी का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी चीज परेशान करती है ना तो मैं क्या करता हूं, लिखना शुरू करता हूं। और कहता मैं पन्ने पे पन्ने उसको लिखता जाता हूं, और एक समय आता है कि वो इमोशन टोटली चला जाता है। एक्चुअली हमारी मेडिटेशन भी वही है, हम क्या करते हैं 45 मिनट्स तक उस भय को केवल देखते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट मेडिटेशन, हम 45 मिनट्स तक एक जो पर्टिकुलर भय है उसको देखते हैं, और क्या होता है आफ्टर 45 मिनट्स जो है एक मैजिक होता है, और वो भय हमेशा के लिए चला जाता है, हमेशा के लिए, इट नेवर कम्स बैक। एक भय एक मेडिटेशन, नहीं तो लोग सालों सालों लगा देते हैं एक चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। हम आपको फॉरगिवनेस सिखा सकते हैं, मिस्ट्रस्ट हटाना सिखा सकते हैं, बिकमिंग पावरफुल सिखा सकते हैं, कुछ भी चीज आप सीख सकते हो इन वन मेडिटेशन। और इसका बेसिस यही है कि 45 मिनट्स तक उस भय को देखो। अगर आपने उस भय को देख लिया तो आपके जो ज्ञान का प्रकाश है उससे वो भय जो है टोटली चला जाता है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रेस की बात सोचते हो ना, आप नोटिस करोगे आप अच्छा सोचते हो बुरा सोचते हो, अच्छा सोचते हो बुरा सोचते हो, इट्स लाइक अ साइकिल। जब भी आप कभी स्ट्रेस सोचते हो ना, स्ट्रेस की बातें, आप नोटिस करोगे आपका जो ईगो है वो बहुत कनिंग है, वो आपको खराब चीज सोच बोलेगा, खराब चीज सोचने के लिए, और थोड़ी देर बाद वो अच्छी कर देगा, फिर खराब फिर अच्छी। हम आपको क्या कर रहे हैं, 45 मिनट तक आपको केवल खराब देखना है और वो चला जाता है। 45 मिनट तक अगर आपने देखा, जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों में एक छोटी कहानी है, सपोज एक रस्सी पड़ी हुई है, सपोज एक रस्सी पड़ी है और आपको लग रहा है कि वो सांप है, क्या आप उसको मार सकते हो? कैसे मारोगे, वो तो रस्सी है। क्या आप डर भगा सकते हो? कैसे, सांप हुआ तो आपका जो भय है ना वो ऐसा ही होता है। सपोज आपके मन में भय हो गया, व्हाट इफ आई लूज माय जॉब, अब क्या वो भय को आप भगा सकते हो? व्हाट इफ यू लूज, क्या भय को मार सकते हो? आपने जॉब तो लूज ही नहीं किया, जॉब तो है अभी। आपके सारे भय जो है ना इज नॉट इन द प्रेजेंट, इट इज इन द फ्यूचर। आपका एक भी भय सही नहीं है, एक भी भय सही नहीं है। आपका जो बच्चों के लिए भय है कि ये ना हो जाए, करियर का भय है कि ये ना हो जाए, रिलेशनशिप्स का भय है कि ये ना हो जाए, कौन सा भय प्रेजेंट में है बताओ तो सही, कौन सा भय? जो प्रेजेंट है वो तो आप हैंडल कर रहे हो। एवरीवन इज स्ट्रेसफुल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, अबाउट फ्यूचर, नॉट अबाउट टुडे। जैसे मेरे को एक क्लाइंट आया था, कहते मैम मैं इतना डरती थी जॉब ना छूट जाए, जॉब ना छूट जाए। उस दिन मुझे बॉस ने बुलाया और कहता यू आर टर्मिनेटेड। मैम बहुत अच्छी तरह मैं लेटर लिख के आया, कहता मैं हमेशा डरती थी कि मुझे जॉब से ना निकाल दें, और एक्चुअली बॉस ने बुलाकर मुझे कह दिया यू आर टर्मिनेटेड, और मैं काफी खुश था फिर, मतलब ही फेल लिबरेटेड आफ्टर दैट। और फिर उसको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं चाहता था कुछ खुद का कुछ करूं। सो जब तक भय सामने नहीं आता वो भय, और जिस दिन एक्चुअली आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है आप इजिली उसको सॉल्व कर लेते हो, फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। आज आपका कुछ भय है पास्ट में कि देखो मेरे साथ कितना खराब टाइम हुआ, पर जो खराब टाइम था उसको भी आपने फेस कर लिया, उससे ज्यादा भय अभी है। यस ऑर नो? सो आज आपका जो भय है हम उसको भय को देखेंगे, इट इज जस्ट अ फियर, इट्स अ इल्यूजन। इल्यूजन को जब आप देखोगे, जब आप रस्सी को कंटिन्यूस देखोगे, आप रियलाइज करोगे वो रस्सी ही है, वो सांप नहीं है।
पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सांप तो नहीं है, सांप तो नहीं है, सांप है क्या, सांप है क्या, सांप है क्या, फिर हमें दिखेगा वो रस्सी है। आया समझ? एंड यही एक ट्रिक है जिससे हम भय को निकाल सकते हैं। इसको जो आदि शंकराचार्य जी ने एक योग बताया था, नेति नेति योग, अद्वैत वेदांता में है, नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, उससे यू रियलाइज द रियलिटी। रुद्राक्ष रत्न साइंस थेरेपी नीता सिंघल द्वारा खोज किया गया हीलिंग का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सालों से रुद्राक्ष एवं रत्नों की अद्भुत शक्तियों पर रिसर्च और स्टडी की गई है। इस रिसर्च के माध्यम से रुद्राक्ष और जेम्स को विशेष विधि से स्ट्रिंग किया जाता है और पहना जाता है। ये विधि आपके ब्लॉक चक्रों को करती है बैलेंस्ड, जिससे आपको अपनी मानसिक और शारीरिक समस्या से निजात मिलती है। यही बैलेंस चक्र लाते हैं जीवन में नई ऊर्जा और आपको बढ़ाते हैं कामयाबी की ओर। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट अस